सर जी, क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ट्रेड का सिलेबस कवर कर रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड को देखते हुए क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी पे आधारित है। आज हम लोग जो है डीमक्स टॉपिक चालू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है मल्टीप्लेक्स ख़त्म कर लिए हैं, इनकोडर डिकोडर ये सारे जितने भी कम्बिनेशनल सर्किट का आपका टॉपिक है ये सारा खत्म हो गया है। तो आज हम क्या चालू कर रहे हैं, डी मल्टीप्लेक्सर, ये चालू कर रहे हैं डी मल्टीप्लेक्सर। देखिए, डी मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होता है, अपोजिट ऑपरेशन होता है इसका, अपोजिट टू आपका मक्स। जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है, जस्ट अपोजिट ऑपरेशन इसका होता है आपका डी मक्स का। इसके जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, ये जो होता है वो क्या होता है आपका, देखिए उसका जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है, यदि आप देखे होंगे मक्स का, तो वो क्या होता था कि इस मक्स का जो आउटपुट इनपुट का रिलेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वो जो होता था वो होता था आपका 2 के पावर n इनपुट रहता था और 1 हमको आउटपुट आता था। अब जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 1 जो होगा हमारे पास क्या होगा, इनपुट होगा और आउटपुट कितना होगा, 2 के पावर n आउटपुट होगा। और जैसे कि हम लोग इसमें देखे हुए थे कि नंबर ऑफ जो आपका सेलेक्ट लाइन होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो एन इजकल टू लॉग आपका 2 और n होता है, तो लॉग बेस 2 n होता है, ये हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन होता है। तो जिस तरह से उसमें क्या होता था कि हमारे पास सेलेक्ट लाइन होता था, इसके बाद हम मतलब कि देखते थे कि ये यदि हमारे पास रहेगा सेलेक्ट लाइन तो कौन सा डाटा एक्टिव होगा, तो इसी तरह से इसमें भी क्या होता है, हमारे पास देखिए एक हमारे पास क्या ये डाटा है, आउटपुट इसमें क्या होंगे, 1 से ज़्यादा होंगे, ठीक, ये हमारे 1 से ज़्यादा आपके आउटपुट होंगे, वाई नॉट, आई वाई वन और ये वाई टू और ये वाई फोर और वाई थ्री। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये डाटा जो हमारे पास 1 है, ये कब वाई नॉट का आउटपुट देगा, कब ये y1 आउटपुट देगा, y2 देगा, i3 देगा, y3 देगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके सिलेक्ट लाइन पे डिपेंड करता है। जो आपके पास सिलेक्ट लाइन होता है उस पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू n होती है। तो देखिए इसमें जो आपका होता है, जो सिलेक्ट लाइन होता है इसका, जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो इसको देखने से आपको क्या लगता है, ये जो डीमक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन टू मेनी भी बोलते हैं इसको, ठीक, जिसे उसको मेनी टू वन बोलते थे, या फिर दूसरा नाम जो होता है इसको क्या बोलते हैं, जो ज़्यादातर पूछा जाता है उसको, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्या करता है, डाटा को सिलेक्ट कर कर और बहुत सारे मतलब जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं। या जो तीसरा इसका नाम देते हैं वो देते हैं सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी इसको बोलते हैं। तो ये घुमा फिरे के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि आपका जो डीमक्स है उसको क्या बोला जाता है, इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी बोला जाता है, और आपको 1 टू 2 के पावर n जो है डीमक्स भी बोला जाता है, या 1 टू मेनी सर्किट होते हैं। घुमा फिरा के यही चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। अब देखिए यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यदि डेटा लाइन आपके पास यदि n है, i है, तो इस केस में क्या होगा, आप एक डायग्राम देख लीजिए, यदि सर्किट डायग्राम पूछे तो ये हमारे पास क्या है, या आई डाटा है, और ये हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 जो भी ये हमारे पास, तो 2 के पावर n क्या होगा हमारे पास, ये आउटपुट होगा, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। सिलेक्ट लाइन कहाँ पे शो किया जाता है, यहाँ पे जो है सिलेक्ट लाइन शो किया जाता है n। तो यदि हम मान लेते हैं कि यदि हम डिजाइन कर रहे हैं एक 1 × 4 mux डीमक्स, 1 × 4 dmux जब यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास इनपुट कितनी है, इनपुट हमारे पास 1 है, इनपुट यदि देखा जाए तो कितना है, 1 है, आउटपुट कितना होगा हमारे पास, तो आउटपुट कितना है, 4 है। इसका मतलब कि हमारे पास जो सेलेक्ट लाइन होगी वो कितनी होनी चाहिए, सेलेक्ट लाइन जो होनी चाहिए वो 2 होना चाहिए, और वो 2 सेलेक्ट लाइन मान लेते हैं S1 और S0 होता है। तो अब ये क्या होता है कि मान लेते हैं ये 0 0 हो सकता है, ये आपका 1 0 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, और ये क्या होता है, 1 1 हो सकता है, ये हमारे पास क्या होगा, सिलेक्ट लाइन होगी। अब आउटपुट देखेंगे कि 0 0 पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, इसके बाद फिर y1 पे आउटपुट क्या, ये तो आपको क्लियर हो है कि एक
समय पे केवल एक ही आउटपुट आएगा, बाकी आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि जीरो जीरो सेलेक्ट लाइन रहा तो उस समय आउटपुट क्या आएगा, आई आएगा, बाकी सब पे आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। यदि मान लेते हैं 0 1 आया तो इस केस में Y1 पे आउटपुट आएगा, इसके बाकी सब पे क्या होगा, जीरो होगा। यदि मान लेते हैं 1 0 होगा तो Y2 पे आउटपुट क्या आएगा, आई आएगा, डाटा हमारे पास, बाकी पे क्या होगा, जीरो होगा। एक समय पे केवल एक ही आउटपुट हमको मिल सकता है, एक मतलब सिलेक्ट लाइन यदि एक्टिव रहता है, जैसे 1 1 हुआ तो इस केस में क्या होगा, 1 1 के केस में कि हमारे पास I3 का जो होगा डाटा आएगा, बाकी सब पे डाटा पे क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये हमारा इसको लेकर ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से यदि आउटपुट लिखना चाहते हैं तो यदि आप के मैप जानते हैं तो के मैप से आप यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे तो के मैप से क्या होगा, वाई नॉट देखिए आप, वाई नॉट यहाँ पे है, वाई नॉट में यदि देखिएगा तो ये वाला लेकर और इन तीनों के रिलेशन से आप बनाइएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, S1 बार S0 बार। तो ये क्या हो जाएगा, S1 बार S0 बार आई हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह यदि Y1 का देखिएगा तो क्या हो जाएगा, S1 बार S0 I हो जाएगा। इसी तरह Y2 का देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे S1 S0 बार I हो जाएगा, और Y3 का जो होगा आप S1 S0 I बार हो जाएगा। देखिए ये जितने भी सारे चीज लिखे जा रहे हैं ये के मैप के थ्रू लिखे जा रहे हैं, जो कि आप के मैप थोड़ा बहुत यदि आपको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा सेपरेट। देखिए आज जो हम लोग जो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे जो है क्वेश्चन मतलब कि आपके आ जाते हैं पेपर में, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लार्जर साइज सर्किट फ्रॉम द स्मॉलर साइज सर्किट, यानी कि हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे एक लार्जर साइज का सर्किट को फ्रॉम द स्मॉलर साइज के सर्किट से। तो जैसे क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं कि कुछ इस तरह से दिया रहता है कि यदि मान लेते हैं 350 यानी 256 × 1 मक्स जो है आपको डिजाइन करना है। ठीक, किससे करना है ये आपको डिजाइन, ये आपको डिजाइन करना है फ्रॉम 4 × 1 मक्स। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर साइज का ये मक्स है, और ये हमारे पास जो अचीव करना है वो कौन सा करना है, ये हमको लार्जर साइज का मक्स जो है अचीव करना है। तो इसको निकालते कैसे हैं कि कितने मतलब कि 4 × 1 मक्स यहाँ पे लगेंगे इसको डिजाइन करने में, ये डिजाइन अप्रोच होता है। तो बेसिकली इसको जो निकाला जाता है बेसिक मेथड होता है कि आपके पास जो भी 1 इसमें कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, उसको छोड़ दीजिए, आपके पास 256 इधर बच रहा है और ये आपके पास 4 है, उसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड तब तक कीजिए जब तक कि वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 256 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 64 को 4 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। फिर आप इसको 16 को 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर 4 को 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 1 को 4 से आप नहीं कर सकते हैं, तो बस यहीं तक आप स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद इसको अब आप काउंट कर लीजिए, जब काउंट कर लीजिए देखिए 16 4 20 20, और ये देखिए आपका 60 64 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। तो यानी कि ये 4 × 1 मार्क्स से यदि आपको डिजाइन करना हुआ 256 × 1 मार्क्स, तो कितने नंबर ऑफ आपको 4 × 1 मार्क्स लगेंगे, तो वो 85 मार्क्स लगेंगे। देखिए ये तो एक मतलब किसी भी टाइप के डिजाइन के लिए आ गया, ये जो अप्लाई होता है आपका डिकोडर में भी होता है कि मान लीजिए आपको दे देगा कि आपका 1 × 2 के पावर n डिकोडर है, मान लेते हैं 1 × 2 × 8 का है, और आपको दूसरा बोल रहा है डिजाइन करने के लिए, तो वहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है ये आसानी से, लेकिन ज़्यादातर जो है मार्क्स पे ही पूछा जाता है। एक स्पेशल केस इसमें ये होता है कि यदि मान लेते हैं कि आपको कहीं दे दिया डायरेक्ट 2 × 1 से बनाने के लिए, यदि मान लेते हैं कोई भी मार्क्स दे दिया, यदि वो बोल दिया कि आप 2 × 1 से बनाओ, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 8 × 1 मार्क्स हैं हमारे पास, अब बोला कि इसको 2 × 1 मार्क्स से बनाओगे तो कितना मतलब कि इसमें लगेंगे, तो आपके पास ये तो मेथड ये है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए 8 बाई 2, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से कीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये टोटल 7 नंबर ऑफ 2 × 1 मार्क्स रिक्वायरमेंट हो गए फॉर द 8 × 1 मार्क्स को डिजाइन करने के लिए। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका इसका ये भी है कि जब इस टाइप से यदि 2 × 1 मार्क्स से यदि डिजाइन करना हो तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितना है आपके पास, उसमें से -1 कर दीजिए,
तो ये जो आएगा डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा, यानी कि सात जो है ये नंबर ऑफ 2 × 1 मार्क्स लगेंगे 8 × 1 मार्क्स को डिजाइन करने में। तो ये शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा याद रखिएगा, नहीं तो बेसिक मेथड तो ये है, इस प्रो से भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको ध्यान में आप रखिएगा। ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का लास्ट वीडियो होगा, जैसे कि हमने इनकोडर कवर कर लिया है, डिकोडर कवर हो गया, मक्स हो गया है, डीमक्स हो गया है, हाफ एडर, फुल एडर, और एक ये पैरेलल एडर है। तो पैरेलल एडर के बारे में ज़्यादा उतना नहीं जानना है, बस इससे जो क्या क्वेश्चन आते हैं बस वो हमको देख लेना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इससे क्या आते हैं ये देख लेना है। और कुछ जैसे कि मिसलिनियस, जो कि मतलब बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आज हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि वो आए तो छूटना नहीं चाहिए आपका। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि जो नंबर ऑफ नैंड गेट होगा, नंबर ऑफ नैंड गेट जो होगा वो कितना जरूरत होगा आपको यदि हाफ एडर डिजाइन करना है, तो फॉर हाफ एडर। तो देखिए जो नंबर ऑफ नैंड गेट होता है हाफ एडर डिजाइन के लिए वो कितना जरूरत होता है, 5 होता है। और नंबर ऑफ जो नॉर गेट भी जो होता है आपके पास, वो भी आपको कितना जरूरत होता है, वो भी आपका 5 ही जरूरत पड़ता है। नॉर गेट से भी डिजाइन कीजिएगा तो आपको हाफ एडर डिजाइन कर रहे हैं तो 5 ही नॉर गेट लगेंगे, यदि आप नैंड गेट से भी डिजाइन कर रहे हैं तो कितना लगेंगे, 5 ही लगेंगे। तो ये बराबर पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा जो है इसी में आप पूछ लिया जाता है कि जो आपका नंबर ऑफ नैंड गेट होगा वो आपका इसके लिए जो होगा फुल एडर के लिए वो कितना लगेगा, नीडेड फॉर द फुल एडर, तो वो कितना लगेगा, तो उसके लिए जो लगता है वो 9 लगता है। तो नैंड गेट भी कितना लगता है, 9 लगता है, और नॉर गेट भी आपका कितना लगता है, वो भी आपका 9 ही लगता है। तो दोनों क्या लगता है आपका। ये कुछ जो पैरेलल एडर के बारे में हम आपको बता रहे थे कि पैरेलल एडर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो छूटने नहीं चाहिए, तो इस वाले में देखिए जो पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ आपके फुल एडर लगेंगे और कितने हाफ एडर लगेंगे आपका। यदि कोई एन बीट का, मान लेते हैं आपके पास कोई एन बीट का यदि पैरेलल एडर है, तो नंबर ऑफ आपका हाफ एडर और नंबर ऑफ फुल एडर कितने लगेंगे। तो जो हाफ एडर होता है आपके पास और फुल एडर, तो ये आप याद रखिएगा कि जो हाफ एडर रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है आपका, ये 1 लगता है। और फुल एडर की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो उसके बीट पे डिपेंड करती है, कितने बीट का है वो। तो उसके लिए n-1 फुल एडर लगता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा। और ये जो होता है हाफ एडर बस एलसीएम पे, मतलब कि एलएसबी साइड रहता है, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे क्या लगता है, 1 ही लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ही इसमें पूछा जाता है। यदि एग्जांपल इसमें पूछ लिया जाए कि आपसे कि यदि मान लेते हैं कि आपको n=4 बिट का यदि कोई पैरेलल एडर डिजाइन करना है, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ फुल एडर लगेंगे, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो फुल एडर हैं वो कितने लग रहे हैं, एन यानी कि 4-1, ये 3 जो है आपके कितने लगेंगे, फुल एडर लगेंगे। और एक जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाफ एडर कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 आपके पास फुल एडर हो गया और एक जो होगा आपके क्या होगा, हाफ एडर हो गया। तो ये आपके जो है इस टाइप से छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड हो जाता है। अब जो चालू होगा आपका वो कल से लेक्चर जो चालू होने वाला है वो आपका क्या चालू है, सिक्वेंशियल सर्किट जो चालू होने वाला है वो क्या होना है, सिक्वेंशियल सर्किट। देखिए सिक्वेंशियल सर्किट में जो है हम लोग वही पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया, ठीक, आपका काउंटर हो गया, इसके बाद है आपका शिफ्ट रजिस्टर हो गया, और फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक, इसके बाद है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लॉप, टी फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरह से हम लोग जो है ये आपका जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उतना हम लोग इसको कवर कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा लेते हैं आज के लिए, जय हिंद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।